मोहन को तो आपने देख ही लिया है वाइट टाइगर सफारी में। आइए चलते हैं। वो सामने रही अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। कैब की वजह से चेहरे में अंधेरा सा आ जाता है ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी तो कर पा रहा हूँ, आगे मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि सामान जो ट्रॉली है उसका हैंड बहुत छोटा है और मेरे पास सामान ज़्यादा होगा, इस वजह से मोबाइल को और सामान को हैंडल कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखते हैं, मैनेज करेंगे अपने तरीके से। तो ये रहा अपना कोच, आइए चलते हैं, सामान रख दें। साइड अपर मिली हुई है, चलिए कोई बात नहीं। तो मैं आपको बताना भूल गया कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ नागपुर। तो चलिए चलते हैं नागपुर, और फिर उसके आगे कहाँ जाना है वो वहाँ पहुँच कर बताऊँगा आपको। सीट जो है वो साइड अपर मिली हुई है, इस वजह से कुछ जो है मैं आपको ज़्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊँगा मुझे लगता है। देखते हैं, जब तक नीचे बैठे रहेंगे तब तक तो ठीक है, बाकी फिर सोने में भी बड़ी दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि पैर जो है उसमें पूजता नहीं है मेरा। मैंने डाला था लोवर के लिए, मैंने डाला था, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनको भी पता है मैं अकेले हूँ, इसी वजह से विंडो सीट सही रहती है गर्मी में। तो खासकर एसी के डब्बे में तो इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट फिर भी जो है लोअर सीट ज़्यादा प्रेफर करते हैं सभी लोग। चलिए, ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, 5 से 6 मिनट ही बचे होंगे गाड़ी चलने के लिए। तो ये लीजिए, अपनी ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई है नागपुर के लिए। आइए चलते हैं अपने सीट पर। तो मैंने अभी स्टेशन में आकर के जो चिप्स वगैरह लिए थे वही खाए हैं, और थोड़ा बहुत बचा कर भी रखा है कहीं रात में भूख ना लगे। और आज मैं नागपुर के लिए निकल रहा हूँ, और आज ही जो अपना ज्ञानानंद है वो भी निकला है कोलकाता के लिए। तो सुबह उसका फ़ोन आया था, वो इलाहाबाद जा रहा था, और वहाँ से मनिंद आएगा, उसका भाई है, और फिर वो उसके साथ इलाहाबाद से कोलकाता के लिए निकल जाएगा। तो वो भी घूमने ही गया है, और मैं तो काम से ही जा रहा हूँ। और नागपुर से आगे कहाँ जाएंगे ये आपको नागपुर पहुँचने के बाद ही बताऊँगा, तो जुड़े रहिए।
हमारे इस YouTube चैनल आशीष सोल फैमिली से और हमारी इस यात्रा से। तो हम सतना पहुंचने वाले हैं और सतना में दादा आएंगे, कुछ सामान लेके जाना है तो वो रिसीव करना है और कुछ सामान उनको देना भी है। तो ये लीजिए, हम सतना पहुंच गए हैं। ठीक है, तो मैंने सामान ले लिया है और जो सामान देना था वो दे दिया है। आइए चलते हैं अंदर। तो मैंने ये बिस्किट और चाय ले ली है, आइए इसको खाते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। तीन तीन बैग हो गए हैं और ब्लॉगिंग कैसे होगी पता नहीं, क्योंकि तो अकेले मैं हूँ और प्लेटफॉर्म से वहाँ पे बाहर कैसे निकलेंगे ब्लॉगिंग के साथ, कोई बात नहीं, फिक्र मत करिए, कुछ ना कुछ करके निकालेंगे, ब्लॉगिंग तो करनी ही है। तो मैं बैठे बैठे मैंने वीडियो एडिट कर लिया है और कुछ देर बाद उसे अपलोड में लगा दूंगा। थोड़ा सा ठंड लगने लगी थी इस वजह से स्वेटर डाल लिया है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मिल गए हैं तो ऐप को देंगे, तो आप से ना मिलते तो शायद एक बार ये सोचते कि यार कौन है, कैसा है, हमारी समझ में क्या आता है क्या नहीं आता। ऐप से मिल गए हैं, देना पड़ेगा, फिर देखेंगे क्या क्या दिखा रहे हैं। अभी तो शुरू ही किया है बस, जो नहीं समझ में आता वो आपको बताएंगे, कमेंट करेंगे या फिर भाई कुछ और ऐसा करके दिखाएंगे। जी है, वो भी है ना, सीढ़ी वाले का नाम है आशीष तिवारी, का नाम है अविनाश तिवारी। अविनाश तिवारी, हाँ, बघेली चैनल, हाँ उनका बघेली है, वो भी कहिए तो निर्माता हो गए बघेली में, जो उन्होंने कदम रखा है, पहला कदम उनका था और आज तो बहुत बहुत बढ़िया है ना, करना है वही है, अभी क्या थोड़ा सा शुरुआत है। अभी जैसे हम तो पैर हो गए, अब हम जी जी दूसरे से मुलाकात भी हो गई तो हम तो लाइक देंगे, पर सामने वाला जब कुछ प्रभाव उसमें पाएगा, हाँ, देखेगा तब ही है। तो वो तो है, वो तो अभी काम करने की ज़रूरत है, अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, तो धीरे धीरे अभी क्या है, देखिए खुद भी थोड़ा सा डर जो रहती है अंदर से ना, बात करने की क्या है, लोगों का डर पहले बताएंगे, खुद का अंदर का डर मिटेगा। कुछ ऐसे है ना लड़कों को आप शामिल करिए जो टाइम दे सकते हैं, उसमें कुछ नई नई चीज़ें जो जहाँ कमियाँ हैं उसको, है ना। बल्कि मैं लिखता हूँ, लिख पहले से बहुत समय से लिख रहा था कहानी, हाँ कहानी कविताएँ और मेरी स्टोरी जो है यहाँ आकाशवाणी में भी मतलब प्रसारित हुई, हाँ एक बार, और बस कविताएँ बहुत सारी लिखी है मैंने। तो अभी अभी बस यहाँ पे कोट हो गया, जो दो लाइनर के कोट आते हैं, कथन वगैरह वो लिखता रहता हूँ, वो बहुत पहले से लिख रहा था, ये काम अभी शुरू किया है। अपने इसमें जी राजा भैया इसमें डालते सारी चीजें भी डाला करिए, हाँ नहीं करने पहले, हाँ अच्छे के है ना लाइफ में जो आपने किया है, बेहतरी है बेहतरी। तो आप भैया लोग हैं, अभी अभी मिले हैं सीट के, बेहतरी माँ है, और बस उन्हीं से बातें चल रही हैं। पेपर भैया आपका नाम क्या है बताइए? अशोक कुमार। आप रीवा से ही हैं? रीवा में कहाँ से? तो पुराना घर अभी रीवा में है। रीवा में कहाँ पे? रीवा में, ये रीवा से करीब 25-15 किलोमीटर दूर जेपी सीमेंट फैक्ट्री, हाँ हाँ समझ गए, यहाँ पर पुराना घर है और ये गढ़वा, गांव का नाम गढ़वा है। जी जी, हमारे कुछ फ्रेंड रहते हैं वहाँ जेपी साइड, और मैं तो रीवा में ही रहता हूँ, सीधी में भी रहा हूँ, पिताजी स्टेट बैंक में थे,
तो 12 साल मतलब उनकी ड्यूटी वहीं थी स्टेट बैंक में, वहाँ सीधी में। और मतलब पुश्तैनी घर ही आपको रीवा किला पता होगा, उपरहटी वहाँ के हैं हम लोग। और अभी वर्तमान में यहाँ रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास घर बना हुआ है, तो यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। मैं अभी तो भैया के पास जा रहा हूँ। भैया का ट्रांसफ़र हुआ है, अभी आलापल्ली में थे, अब वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ है चंद्रपुर, तो वही सामान वगैरह शिफ्ट करने जाना। मतलब यहाँ जाने के बाद नागपुर से फिर हाँ हाँ चंद्रपुर के लिए। चंद्रपुर जी, धन्यवाद, याद दिलाएंगे आपको कि हम वही हैं। बिल्कुल 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 जी, बहुत सारी बातें करी जी जी, और आपसे बात करके अच्छा लगा, क्योंकि क्या है इतना कम्फर्ट जो है ना बहुत कम लोग देते हैं। अभी शुरुआत है तो एक तो अंदर से खुद में डर रहता है, और फिर सामने वाला यदि थोड़ा सा घूरा या कुछ मतलब अलग से देखे तो आदमी को खुलने में जो है ना अजीब सा लगता है, झिझक सी लगती है, क्योंकि देखिए पहले से आदमी कभी किया नहीं है, शुरू में थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ। हम जी सब मिलके आपको प्रोत्साहित करें जी, आपकी जो जहाँ बस हैं हाँ खुल के है ना सामने आए, और आपको वो करने के लिए और अग्रसर करें कि आप करिए जी जी बिल्कुल वही सपोर्ट जी है ना, कोई कुछ कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10:45 बज रहे हैं और मैं खाना वगैरह खा के और बस सोने जाने की तैयारी कर रहा हूँ, और रात भी हो रही है। तो आइए आज के अपने इस ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपने काम में व्यस्त रहिए, और थोड़ा सा समय निकाल करके आशीष सोल फैमिली देखते रहिए। गुड नाइट, सब बखैर, फिर मिलेंगे।